फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर पर इजीली मैरीगोल्ड की सीडलिंग को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो तरीका होगा बहुत ही ईजी वे में होगा और जो आपको जर्मिनेशन रेट मिलेगा वो भी आपको 100% मिलेगा। तो इसे आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड आपका एक ऐसा फ्लावर है जो आपका 12 महीने आपके गार्डन में बना रहता है। इसकी कुछ डिफरेंट वेराइटीज़ आती हैं। जो इसके फ्लावर समर में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो आपके विंटर में होते हैं वो फ्लावर की वेराइटी है डिफरेंट होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट जो कि समर का फ्लावर है और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 इंच के पोट में लगा है और इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स आई हैं और इसको भी मैंने सीड से ही ग्रो किया था। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप मैरीगोल्ड को अपने घर पर सीड से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विंटर फ्लावर की सीडलिंग को करने का अभी सही समय नहीं है, बट जो उसका सही समय होता है वो आपका सितंबर के लास्ट वीक से आप स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे अक्टूबर में आप सीडलिंग को कर सकते हैं। लेकिन अभी आप मैरीगोल्ड की सीडलिंग कर सकते हैं क्योंकि अभी आप मैरीगोल्ड की सीडलिंग करेंगे तो आपको दिवाली तक इसमें फ्लावर्स मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास मैरीगोल्ड के सीड्स और ये है आपकी मैरीगोल्ड ऑरेंज सीड्स F1 इनका और ये है आपके गोल्ड सीड्स F1 इनका। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ ये जो इनका की वैरायटी है, इसके जो फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा साइज इसका बहुत बड़ा होता है और देखने भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें सोइंग मंथ लिखा है आपका, अगस्त से जनवरी तक आप इनको लगा सकते हैं और इसमें भी। तो अब हम इसको लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको लगाना है और किस मिक्सचर में आपको ये सीड्स लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सॉयल मिक्सचर, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें मैंने लिया है कोकोपीट, ये 60% कोकोपीट लिया है। इसमें मैंने 20% वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आपके पास गोबर खाद है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और ये 20% मैंने इसमें सैंड लिया है और इसमें मैंने मिलाया थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर। फंगिसाइड पाउडर का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके जो आप सीड्स लगाएं उसमें फंगस ना लगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। फ्रेंड्स, जिसमें आप सीड्स लगाएंगे आपके पास या तो ये ऐसे जो नर्सरी में पोट्स मिल जाते हैं और जिसमें ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, या तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं और या फिर अगर आपके पास ऐसे कोई टोकरी टाइप है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी देखिए मैंने ड्रेनेज होल को अच्छे से लगाया है ताकि हम जब भी इसमें अपनी सीडलिंग में वाटरिंग करें तो इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। फ्रेंड्स, ये हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार है और इसमें कोकोपीट मैंने लिया क्योंकि कोकोपीट में हमको जो सीडलिंग्स हैं हमारी वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती हैं और ये बहुत ही लाइट वेट होता है। और वर्मी कंपोस्ट में हमने इसलिए लिया ताकि जब आपकी सीड्स ग्रो हो जाएं और तो उनको थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाए इसलिए। तो अब हम इसको स्पॉटिंग मिक्स को जो हमने तैयार किया है इसको अपनी इसमें जो हमारे पॉट्स हैं इसमें आपको फिल कर। फ्रेंड्स, हमने इनको अपने पॉटिंग मिक्स से फिल कर लिया है। अब मैं आपको उनके सीड्स दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके सीड्स हैं। और तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारे पास इनका के सीड्स हैं और ये मैरीगोल्ड के सीड्स और ये अराउंड 20 सीड्स हैं। और क्योंकि जहाँ से मैंने लिए हैं वो एक तो ये हाइब्रिड सीड्स है और इनकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं मेरे पास ट्राइको पाउडर यानी ट्राइकोडर्मा और इसमें हम इसको मिक्स करेंगे ताकि आपके ये जो भी सीड्स हैं इसमें कोई फंगस ना लगे। हालांकि हमने इसमें पहले से ही फंगिसाइड पाउडर मिलाया बट हम फिर भी सेफ्टी के लिए इनको एक बार इसमें मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, बस अब आपको जो सीडलिंग करनी है वो आपको एक एक करके ऐसे करके लगानी है ताकि आपके जो सीड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना आए और जब आपको जर्मिनेट हो ये और अच्छे से जर्मिनेट हो जाए ताकि इनमें कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इनको लगा दिया है और अब जो आपको पॉटिंग मिक्स था आपको उसी के साथ इनको कवर कर देना है। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको कवर कर देना है, बस हल्का हल्का आपको इसके ऊपर डाल देना है ताकि जो आपकी सीड्स हैं इधर उधर ना भागें। और बस फ्रेंड्स, फिर आपको हल्के से ऐसे हल्के हाथों से बहुत ही हल्के हाथों से आपको ऐसे प्रेस कर देना है ताकि आपके जो सीड्स हैं वो एकदम सेट हो जाएं। फ्रेंड्स, आपको इसकी वाटरिंग का ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट वाटर नहीं करना और आपको ऐसे कोई आपके पास स्प्रेयर है तो आप उससे इसको वाटर कीजिए।
और बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इनको 4-5 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना है ताकि इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, और जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो आप डायरेक्ट वाटरिंग ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 10 दिन बाद का अपडेट है और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी जो सीडलिंग है वो ग्रो हुई है। यह आप देख सकते हैं मेरे जो सीडलिंग्स हैं पूरी अच्छे से ग्रो गई हैं और कितनी हेल्दी है 10 दिन बाद। और मैं आपके लिए आगे वीडियो भी लेकर के आऊँगा कि कैसे हम अपनी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय, हैप्पी गार्डनिंग।